बच्चों, क्या आप भी चाहते हो कि आप 7 नवंबर के पेपर में 50 में से 50 अंक लाएं? तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपका बिल्कुल रियल एकदम वही क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर जो वायरल हो रहा है, बिल्कुल आप ये क्वेश्चन पेपर देखोगे आपकी स्क्रीन पर, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको 7 नवंबर के पेपर को में देखने को मिलेगा। 7 तारीख को जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है कक्षा 8 विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी 2022-23 में ली जा रही हैं, यहाँ पर आप देखोगे बिल्कुल एकदम क्वेश्चन पेपर रियल विद सॉल्यूशन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, पूरा ये क्वेश्चन पेपर ही आपके सामने विद सॉल्यूशन सहित है, कहीं पर भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके बच्चों, तो ये आपका बिल्कुल एकदम रियल क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए ये अभी आप जैसे देखोगे तो ये 6 तारीख आपको ये पब्लिश हो जाएगी ये वीडियो, है ना, 6 या 5 को, तो आपका 7 तारीख को पेपर है। एक और मैं ऐसी वेबसाइट बनाऊँगा, बताऊँगा, ये तो आप यहाँ से पढ़ेंगे क्वेश्चन ताकि आप एग्जाम तक तैयार हो जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सतपुड़ा के जंगल स्थित हैं, तो सतपुड़ा कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में, तो इसलिए जंगल कहाँ होंगे, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपको ऑप्शन सा बिल्कुल सही कर देना है। ओके, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन आर सूरदास, बा तुलसीदास, सा रैदास और द है मीराबाई। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा आपका रैदास, ऑप्शन सा। यही क्वेश्चन आपके, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इनको पढ़कर जरूर जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल एकदम आपको 100% रियल क्वेश्चन पेपर मिले, तो इसके लिए आपको मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे टेलीग्राम ग्रुप को हम ज्वाइन नहीं कर पाते, हम चलाते ही नहीं हैं, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पेपर रहेगा एकदम 100% वाला श्योर, अभी तब तक आप ये क्वेश्चन याद कर लें। ओके, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, जैसे अभिमान में उपचार क्या है, आपको यहाँ पर शब्द चेंज कर दिया जाएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम को, दोनों की लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। ओके बच्चों, अभिमान में उपचार क्या है, तो उपचार क्या होता है जो कि आपका आगे लगता है। ओके, तो अभि प्लस मान, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरे का उत्तर आपको अभिमान कर लेना है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तोमर वंश का अंतिम राजा था? ऑप्शन आ मान सिंह, वीर सिंह, राम शाह, जय सिंह, तो ये कौन था, राम शाह। इसके बाद देखिए, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली, तो इन्होंने कब ली थी, ऑप्शन आ सन 1920, 1930, 1914 और 1942, तो इनने 1914 में दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। यहाँ पर पहला देखिए, रात का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आप रात का देखोगे तो रजनी हो जाएगा। ओके, अगला कारण अगला देखिए, खाली स्थान के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था, तो ये किसके कारण, वर्षा के कारण। ओके, वर्षा आप यहाँ पर लिखेंगे, वर्षा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो रहा था। ओके बच्चों, इसके बाद देखिए, पथ भूल न जाना कहीं, तो पथ भूल न जाना पथिक कहीं। ओके, चलिए अगला देखिए, हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए क्रियाएं समाहित हैं, तो ये 6 क्रियाएं समाहित हैं, तो ये 4 आपके खाली स्थान पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे प्रश्न 30 में अति लघु उत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखें, धुआ छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसमें आप लिखोगे इसमें 4 चरण होते हैं, किसमें, धुआ छंद धुआ में। ओके, पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद प्रश्न तीसरा देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों पश्चात दिखाई पड़ना, और प्रयोग हुआ अक्षय के बहुत दिनों बाद मिलने पर राम ने कहा कि तुम तो ईद के चांद हो गए। ओके, चलिए अगला देखिए, वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखें 4 प्रकार के होते हैं वेद, ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये पहला होता है ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन सबसे पुराना वेद है। इसके बाद है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं, इनको अच्छे से आप याद कर लें। अगला प्रश्न देखिए, सालेम अली ने कौन से पक्षी की खोज की, तो सालेम अली ने फिन पक्षी, फिन यानी कि बया पक्षी की खोज निकाला। अगला देखिए,
कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि कोयल अपनी मधुर सुरीली आवाज़ के कारण सबको अच्छी लगती है। बच्चों संपूर्ण सॉल्यूशन मिल रहा है ऐसे। तो अगला देखिए, ये लघु उत्तरी प्रश्न है। यहाँ पर आप देखोगे सागर विश्वविद्यालय की स्थापना कब, क्यों और किसने की थी, तो आप इसका आंसर नोट डाउन करें। इसके बाद वाक किसे कहती हैं, और ये आप इनके आंसर नोट डाउन करते चलें। चलिए मैं बता देता हूँ कि आपको इसकी जो PDF रहेगी वो किस तरीके से डाउनलोड करना है, ताकि बच्चों आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और जैसे आप और सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो रियल क्वेश्चन पेपर है वो भी आप वहाँ पर मिल जाएंगे, है ना, आपके एग्जाम से 1-2 घंटे पहले वहाँ पर बिल्कुल एकदम आपको 2 कॉपी क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, है ना। तो कहाँ से मिलेगा, जब तक आप ये प्रार्थना पत्र याद करें शाला त्याग प्रमाण पत्र हेतु, और आपका तो देखिए इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी TC की आपकी, और आपको जो आपकी रहती है लीव यानी छुट्टी की, ये दोनों ही कर लेना है। इन दोनों में से एक आपकी 100% देखने को मिलेगी। चलिए मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन पेपर जो रियल रहेगा वो कहाँ से डाउनलोड करना होगा। तो एकदम 100% वाला क्वेश्चन अगर आप रियल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे तो यहाँ की आपको ये सर्च बार में आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्लास 8, ओके, मैं जो बता रहा हूँ वही आपको सर्च करना है। क्लास 8 हाफ ईयरली पेपर 2022 और 23। स्टूडेंट्स ये आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपको यहाँ पर रियल पेपर मिलेगा तो आपको ये सर्च करना है, पर इसके बाद आपको लास्ट में लिख देना है SKT, ओके, ये आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखना है। देखिए थोड़ा यहाँ पर गलत लिख दिया, तो यहाँ पर आपको SKT लिखना है। लास्ट में आपको SKT लिखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे सभी क्वेश्चन पेपर। तो देखिए जैसे ही आप ये इतना सर्च करोगे तो आपको ऊपर ही SKT वेबसाइट दिख जाएगी। तो यहाँ पर देखिए क्लास 8 हाफ ईयरली पेपर 2022 MP बोर्ड के जो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप बस आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको और नीचे आना है, नीचे स्क्रॉल करते जाना है। देखिए ये तो अभी क्या एक मॉडल जो आपके पहले लिए गए थे जो कि वार्षिक वर्कशीट थी वो यहाँ पर अपलोड हुई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको जो करना रहेगा वो सिर्फ इतना करना है कि आप यहाँ पर आते रहें और पेपर के 2-3 घंटे पहले आपको यहाँ पर आना है, और सबसे नीचे आपको जो लिंक है वो उन पर क्लिक करके देख लेना है, ठीक है। यदि आप मैथ का देखना चाहते हो तो यहाँ से मैथ पर क्लिक करके देख लीजिए, संस्कृत का, सोशल साइंस का, सभी का आप यहाँ पर देख पाओगे। ओके, आई होप वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।